जीजू जीजू वहाँ पे खा रहे हैं और जीजू के मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। सो हमारी सबकी सुबह हो चुकी है एंड इस मिट्टू बाबू की भी सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल इसने इतनी मस्ती करी ना, ये देखो इसके साथ क्या करेगा, ये देखो इसको पता है कि इससे गुदगुदी होती है। अच्छा एक बार ही कर ले दो। इतना फन था ना, मतलब घूमना फिरना और इतना मस्ती करी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना किसी से, तो यार बहुत ही अच्छा लगता है मिलके। सो मतलब डेस्टिनेशन तो मैटर करती नहीं है, साथ मैटर करता है, तो वो बहुत बढ़िया था। सो फिलहाल अभी चल रहे हैं मार्केट, थोड़ा सामान लेके आते हैं। अभी देखना आप इसका मज़ा, अभी देखना आप इसका मज़ा देखना। मज़ा आ गया, सर पे हाथ रख लेता 2 मिनट में। बाबू ये देखो फिर से आ गया। मज़े भी आ रहे हैं, करवाना भी नहीं है। सो अभी तो मैं और जीजू जा रहे हैं मार्केट। जीजू यार देखो यार लिपस्टिक हटी नहीं रही है। ये मैंने गोला खाया, मैं तो थोड़ा सा ठीक रहा, जीजू ने खाया, जीजू की तबीयत खराब हो गई रात को। भाई ऐसी जगहों से मत खाया करो यार, मत खाया करो। पर क्या करे, घूमने फिरने जाओ थोड़ा मोड़ो, ऊपर नीचे होता रहता है। सो अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट थोड़ा सामान लेने। सो गाइस सामान लेके आ गए एंड बहुत सारा सामान आया है एंड यहाँ देखो अम्मा लगी हुई है। अम्मा क्या सीन है, प्याज और गोभी पकौड़े, वो पकौड़े पकौड़े मस्त परांठे बन रहे हैं और ये गैस चल रही है मस्त सा। और यहाँ पे हमारा मिठू बाबू खा रहा है और मोनिका, मोनिका क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट में? पराठे और बस पराठे, बस पराठे सही है। सो चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है। सो यहाँ जीजू के प्लेट में आ चुका है वर्ल्ड फेमस अम्मा के हाथ का पराठा। जीजू कैसा है भाई, कमाल का पराठा है ये, एक नंबर। अरे एक नंबर पे ये सब 5 स्टार सब फेल है इसके। ये अमूड़ी तेरी तारीफ हो रही है। चलो मेरे बच्चे खा रहे हैं ना, मुझे भी खुशी हो रही है। मैं बता रहा हूँ यार, अम्मा के हाथ जैसा पराठा ना कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं। आई कैन बेट तुम कितने बड़ा शेफ ले आओ, पर अम्मा के हाथ के जैसा पराठा ना पूरी कोई नहीं बना सकता कोई भी। जीजू जीजू वहाँ पे खा रहे हैं और जीजू के मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे हैं, भाई पराठा है ये, जन्नत है ये, जन्नत, वाह जीजू वाह। सो गाइस मस्त ब्रेकफास्ट हो गया है एंड यार आज तो मस्त आराम करने का मन कर रहा है। सो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड अभी ना इसकी आंख में ना चमक देखना, मैं ये तकिया जो है इसको घुमाऊंगा ना, सिर्फ इसकी आंखों में चमक देखना। श्लोकी ये यहाँ देखो, हम रेस्ट कर रहे थे और अम्मा हमारे लिए गोलगप्पे लेके आ गई। देखो अम्मा पता नहीं गोलगप्पे खिलाने में कितनी माहिर सी हो गई है। ये मेरे लिए भी आ गया, भी खा रहा है मीठा। ओए गोलगप्पे, नील को बुलाना है, गोल खाने। अम्मा यार सबको चटोरा बनाओगी क्या? नहीं नहीं खा रही, चटोरा बनाओ पहले, आप खाओ, आप तो खाओ, आप खाओ ना, हमको खिला। अम्मा ने किसी को नहीं छोड़ा, जीजू भी चंगुल में आ गए गोलगप्पे के। तो आज रिलैक्सिंग डे है, तो मोनिका जो है वो मेरे हेड मसाज कर रही थी एंड देखो ये वो उठा ले जो श्लोक से मैं कर रहा था एंड यार ये बड़ी चल मैं कंट्रोल करता हूँ, देखता हूँ होती नहीं होती। यार ये देखिए बड़ा सही गाइस, क्या किसी ने यूज़ किया है ना तो बताना, पर दूसरे के हाथ से ज़्यादा गुदगुदी होती है, अपने हाथ से इतनी गुदगुदी नहीं होती। तो जहाँ से कल मिलने की शुरुआत करी थी वहीं से एंड कर रहे हैं। सो गोरी एंड जीजू जा रहे हैं, चलो बहुत मज़ा आया, बाय 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 बाबू। आज तेरे भी तेल है मेरे भी तेल है, हैदराबाद जाके।
एंड यार जीजू लोग हैदराबाद जा रहे हैं, कल हमको पता चला तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर बहुत मजा आया जीजू 100% भाई, एक नंबर। अभी हम अभी क्या है, अभी ना दोनों जीजू का मिलन होने वाला है थोड़े दिन बाद, तो देखना अलग ही फन, अलग फन होगा। और इसको देखो मेरे बाबू जाल है, हमको इतनी याद आएगी इसकी, हंस दे एक बारी। चलो जाओ आराम से पहुंचो। ओके बाय बाय मिट्टू, चलो मिलते हैं फिर। मोनी मोनी की हालत देखो कैसी हो रही है, मेरे से तो अच्छी हो रही है। तूने ये क्या मेरे ऑयल माइन बना दिए यार सर के ऊपर, तेल ज्यादा निकल गया तो फिर इतना भाई ऐसे भर दिया बिल्कुल ऐसे। गन्ने का जूस पीने चले नहीं, चलो घर चलते हैं। सो गाइस आ गए हैं घर वापस और अम्मा लेटी हुई। अम्मा भाई अम्मा ने तो इतना बढ़िया नाश्ता कराया था ना, सुस्ती आ गई, सारे सो गए थे, फिर अभी दीदी जीजू को छोड़ के आए हैं। सो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं नहाने। गाइस आप ये देख रहे हो मोनिका को पता नहीं क्या हो गया है, पूरा दिन आज पाम ही निकाल दिया, पहले हेड मसाज और पता नहीं फेस पे इसने मुल्तानी मिट्टी लगा ली। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये तीनों ऐसे हंसना नहीं है हंसना नहीं है तीनों रिलैक्स, कितनी फनी लग रही है तीनों रिलैक्स कर रहे, क्योंकि आज संडे है और कल इतनी थकावट हो गई थी तो हमने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो तीनों अम्मा कैसी लग रही है, अम्मा कैसे लेटे हो अम्मा को देखो जरा मोनिका को। सो चलो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। अरे खीरे तो ले आ, खीरे भी रख ले आंखों में, ले खीरे पड़े हैं खीरे भी रख लेते हैं आंखों में। सो गाइस चलो ना के आते हैं, ये सब सूख गया है, पता नहीं क्या जोकर ही बना दिया यार मोनिका ने। चलो आते हैं, रेडी होते हैं नहा के मस्त। सो गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और आप देखो भाई वो जो मुल्तानी मिट्टी का जो रंग आया ना, एक नंबर आया भाई, है ना। आंखें तो नहीं चंदारी चंदारी, तो ब्राइटनेस कम कर लो थोड़ा, फ़ोन में देख रहा हूँ मतलब कुछ भी। सो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि अभी मैं मोनी और अम्मा जा रहे हैं थोड़ा मार्केट घूमने, संडे है तो हमने सोचा चलो थोड़ा मॉल वॉल उगाते हैं, देख के आते हैं यहाँ के मॉल। यहाँ पे हम गए नहीं यार, मौका ही नहीं मिला जाने का जब से हम यहाँ पे आए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड यार अभी जूते देखो यार, ये 2 साल हो गए मैं लेके आया हुआ हूँ और पहनने का मौका अब मिला है मेरे को, क्योंकि लॉकडाउन में यहीं पे रह गए थे। एंड क्या सही लग रहे हैं यार मस्त। चलो अम्मा लोग रेडी हो रहे हैं एंड फिर अपन निकलेंगे। और यहाँ पे भी यार हवा देख लो, 22nd फ्लोर है, हवा तो चलेगी चलेगी, और मस्त मज़ा सा आ रहा है यहाँ पर खड़े होने में। मैं अपनी घड़ियाँ भी उठा ली है, इनमें भी सेल डलवा के लाऊँगा, पता नहीं बहुत टाइम से बंद पड़ी है। ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लगती थी यार घड़ी, ये लगती की ठीक है, लगती है बहुत सही है, ये वाली फेवरेट, ये भी सारी फेवरेट ही हैं यार, सिर्फ एक ये और जो कल पहनी थी उस पर सेल डले हुए हैं, उस पर चल रही है अभी तक, बाकी सब ख़राब पड़ी है। और अम्मा कुछ बोल रही है, क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रही हूँ रात को तरबूज और शक्करकंदी खाएंगे, खाना मैं नहीं खाऊंगी, मोटी हो रही हूँ, सारे कपड़े टाइट हो गए, लूज कराने ले जा रही हूँ सारे कपड़े टाइट हो गए इनके, ये देखो पेट से इसका कितनी पानी मत गिरा दियो बाहर ओहो अम्मा आप भी डाइटिंग करोगी क्या मेरे साथ? कोयल की आवाज़ सुन रहे हो आप? इतनी सही लग रही है ना, और ये मौसम के साथ इतनी सही ब्लेंड हो रही है कोयल की आवाज़, मौसम अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है। और ये जा रही हैं दोनों मैडम तैयार होके, और ये खड़ी हमारी प्यारी सिटिया, चलो चलते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लेंस कार्ट, पहले मोनिका को चश्मा बनवाना है, मस्त चश्मे पहनेगी, चश्मुल्ली आएगी, वैसे चश्मुल्ली तो है ही तो चलो अभी चलते हैं लेंस कार्ड होके आते हैं। कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? 15 मिनट का रास्ता है, चलो। सो आ गए लेंस कार्ड, अब लेते हैं मोनिया का चश्मा, आए आई टेस्ट कराने, अब लेंस कार्ड पे आए हैं तो भाई फ्री सेवा है, ले लेते हैं आई टेस्ट की। पता है आप लोगों को लेंस कार्ड पे आप फ्री में आई टेस्ट करा सकते हो अपना, देखो मैं कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को।
वहाँ बिल्कुल ऐसे लग रही कोई साइंटिस्ट बैठी हुई हो। सो चलो पसंद कराते हैं इसको चश्मे एंड फिर चलेंगे घर वापस। मोनी ने एक और ये दो दो पसंद कर लिए। पहन के दिखाइए ब्लैक वाला। ये ब्लैक नहीं है, ग्रीन है। हाँ मैडम माया अम्मा भी ट्राई करने लग गई। सही है आपकी आंखें उतारो। तो गाइस फाइनली पसंद आ गया इसको फ्रेम और सनग्लास। आपने देखा ही था कौन सा था। तो मतलब 1.5 घंटे लगा दिया इसने सब। अब कहाँ जाना है बताओ, कहाँ चलना है? ले जाओ चलो मॉल चलें, एक बार देख के आते हैं वो नए वाले मॉल पे। या मोमोज खाने हैं? मोमोज चल मोमोज खाते, चलो मोमोज खाने चलते हैं। वी आर हेयर एट चाइनीज वोक। यहाँ का चाइनीज बहुत बढ़िया होता है। आ गया पहला ऑर्डर हमारा चिकन स्टीम मोमोज। बस की ये देखो स्माइल देखो। ये आ गया नैसी गोरेंग। ये बाली की बहुत फेमस डिश है। मस्त डिनर हो गया आज का। और ये बोल रही थी कि तरबूज खाएगी, बस खा ली तरबूज, चौमिन खाई है इन्होंने। सो गाइज अभी हम लोग निकल पड़े हैं वहाँ से और मैंने घड़ियों में सेल डलवा लिया तो मेरी सारी बेबीज ना बढ़िया रन कर रही हैं अब। ये तो खैर चालू ही थी, बाकी सब जो है वो बढ़िया से रन कर रही है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कोई एक फेमस आइसक्रीम शॉप है, कोको स्कूप जो भी है, कोको स्कूप टाइप की। वहाँ कुछ डिफरेंट सी आइसक्रीम मिलती है तो हमने कहा अभी इतना कुछ खा लिया थोड़ा स्वीट डिश के लिए चलते हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है। सो आ गए हैं कोको स्कूप में, मस्त एकदम। एंड ये दिखा ही रहे हैं कि आइसक्रीम इन्हें शेल आती है। सो यहाँ बननी स्टार्ट हो गई है कोको शेल। मोनी सो ये आ गया हमारा कोको स्कूप जेली विद इन दी कोकोनट शेल, कोकोनट आइसक्रीम एंड साथ में इन्होंने कोकोनट वाटर भी दिया है। सो गाइस कुछ ये है कोको स्कूप की कोकोनट टेंडर कोकोनट विद जेलीज एंड ये कोकोनट उसमें ही है। एंड अम्मा नारियल पानी पी रही हैं। सो इसका सारा पानी यहाँ पे है, अम्मा पी रही हैं। अम्मा जो कितना सही से लग रही है ना, क्यूट सी लग रही है। कैसी है? सही है मोनी। ओके ओके ये क्या ऊपर? ये फ्रूट जेली है, अच्छी है। सो गाइज घर पहुँच गए हैं एंड आपने आज देखा, आज हमारे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था करने को तो आज हम रिलैक्स ही कर रहे थे। और मोनिका ने हमारे सबके मुंह पे पता नहीं क्या पोत दिया था, बट उससे आप देख रहे हो निखार एकदम अलग लेवल का है। अम्मा को देखो कैसे निखार रही हैं, एकदम बढ़िया। तो मैं ये बस यही कोशिश करता हूँ कि हम तीनों की लाइफ में इस टाइम पे पुणे में जो भी कुछ हो रहा है छोटी मोटी चीज़, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी हमारी फैमिली का एक बहुत अच्छा अहम सा हिस्सा बन सके। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वो सब चीज़ें। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा। जो भी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ ये चीज़ ज़रूर करना। चलो बाय।